आपको नहीं लग रहा कि मैच फिक्सिंग ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया है? सर फिर आपका भी एक बयान आया था कि बासित अली ने इंतखाब आलम सब को जाके बोला था कि मैंने मैच फिक्सिंग की है। एक तो वो बच्चों की कसम और बीवी की कसम खाता, वो बड़ी गलत बात है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? इंतखाब आलम जो मेरा इतना पुराना दोस्त है उसको इंग्लैंड टूर से मैंने हटा दिया। 96 वर्ल्ड कप वसीम भाई फिट थे लेकिन वो इंडिया का मैच नहीं खेले, तो परेशान नहीं था सर फिजियो पे? नहीं, आप एयरपोर्ट गए थे फिजियो का? नहीं 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 नहीं, उसने आके मुझे बताया, मैं एयरपोर्ट क्यों जाऊंगा यार। मगर एक गलती की कि भाई मियां दाद बैठा हुआ था, हमें आमिर सोहेल को बना दिया कप्तान। हाँ। क्या करते हो यार, तो आप उसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, जिसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे। भारतीय टीम के हवाले से क्या कहेंगे, उसको किसकी नजर लग गई? रोहित शर्मा निकल रहे, विराट निकल रहे। अरे यार देखें बात सुने, अब वो कह रहे हैं वी मस्ट रिवाइव द ओल्ड कोहली, वी मस्ट रिवाइव द ओल्ड शास्त्री। हाउ डू यू रिवाइव अ पर्सन हु इज एज्ड? खत्म हो गई। अच्छा सर, आपको नहीं लग रहा कि मैच फिक्सिंग ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया है? किसने? मैच फिक्सिंग ने, जो मैच फिक्सिंग। यार देखिए ये तो इन्फ्लुएंस की बात है, हमने एक्शन सही नहीं लिया। जैसे हम 99 में ले लेते या 93 में ले लेते। सर फिर आपका भी एक बयान आया था कि बासित अली ने इंतखाब आलम सब को जाके बोला था कि मैंने मैच फिक्सिंग की है, फिर बासित भाई अभी तक कह रहे हैं कि भाई मैं तो किसी भी। अरे बासित अली पूछ लें आप इंतखाब आलम से। सर वो तो कह रहे हैं मुझे तो फांसी दे देना अगर ऐसी कोई बात हो। अरे फांसी दे दें, फांसी दे दें। एक तो वो बच्चों की कसम और बीवी की कसम खाता है, वो बड़ी गलत बात है, ये बहुत गलत बात, ये नहीं करना चाहिए। मुझसे कहा, मैंने कहा देखो ये सब मत करो, मेरे साथ नहीं करो यार, मेरा तुम, मैंने कभी कहा है तुम्हारे बारे में जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है इंतखाब आलम ने? सर वो रिपोर्ट में नहीं लिखा था, उन्होंने वर्बली शायद आपको बताया। हाँ हाँ बताया ना। जी जी जी। मगर रिपोर्ट में नहीं लिखा। जी सर। उसका रिजल्ट क्या हुआ? इंतखाब आलम जो मेरा इतना पुराना दोस्त है। जी जी सर। साथी है। जी जी सर। उसको इंग्लैंड टूर से मैंने हटा दिया, मैनेजर नसीम उल गनी को बना के भेज दिया। सही। कहते ये क्या किया आपने मेरे साथ यार, तुमने किया? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया, तुमने किया। तुमने ये बात मुझे क्यों बताई? Why did you tell me? अगर आपने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी तो you should never have told me. सही। इसलिए कि ये तो official हो गई ना। सही। तो ये तो बड़ा गलत। सही 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 सही। अच्छा सर इसके अलावा प्रिंसिपल को कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए। सही सही सही। अच्छा सर इसके बाद 99 चाहे वो मैं मिनिस्टर हूँ, चाहे मैं PIA हूँ, चाहे हॉकी हूँ, चाहे स्क्वाश हूँ, चाहे क्रिकेट हो, मैंने कभी नहीं किया ये। सही 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 सही। प्रिंसिपल को कभी नहीं सरेंडर करें। अच्छा सर चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो। सही सही। अच्छा सर बेस्ट फ्रेंड की बात करें, 96 हो या 99 हो, वसीम भाई का बहुत नाम लिया जाता कौन है। कौन वसीम भाई? वसीम अकरम का सर। अरे यार देखो उसने काम बड़ा अच्छा किया कि इंडिया से कहा है कि जाओ। जी सर। हाँ ये और कोई नहीं कोई कहता। जी जी सर। मैं तो कहता हूँ ही इज डन अ वंडरफुल जॉब। सही सही। एंड ही एक आदमी है जी जी सर जो टॉप ऑफ द लैडर है इन क्रिकेट, और ही इज एडजस्टेड टू PTV एंड बिकम अ सेलिब्रिटी। ये और कोई नहीं कर पाया। सही सही सही। सर ही इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन। वसीम भाई से क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फायदा नहीं उठाता? उसी रिपोर्ट का आज तक क्रिकेटर बैठ के कहते नहीं वसीम अकरम जैसे क्रिकेटर को दूर होना चाहिए। ये किसने बनाया था? किसने बनाई थी वो रिपोर्ट? जस्टिस कयूम सर, जो खालिद महमूद सर के दौर में हुई। फिर गलत। देखिए मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैंने और किसी को नहीं पाया, ना किसी को देखा कि कोई यहाँ पे एलिगेशन के अंदर कुछ अहमियत है। जी जी सर। ये कहा हुआ है मैंने। जी जी सर। तो जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे तो वो उसको आपने स्टैम्प कर दिया। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी ज्यादती है कि ही इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बॉलर इन द वर्ल्ड और आप उसके साथ ये कर रहे हैं। सही सही। क्या यार और कोई नहीं मिला। अच्छा सर आपने भी ये कहा था कि आप 96 वर्ल्ड कप में वसीम भाई फिट थे लेकिन वो इंडिया का मैच नहीं खेले, फिर जब उनके देखिए मेरा जो फिजियो था जी जी सर वो जर्मन था। जी जी सर। ही वाज अ डॉक्टर। जी सर। ही वाज नॉट ओनली अ डॉक्टर क्वालिफाइड इन फ्रैंकफर्ट। जी जी। ही वाज अ फिजियो, ही वाज अ ट्रेनर। आपका प्रेशर नहीं था सर फिजियो पे?
कि आप एयरपोर्ट गए थे, फिजियो का नहीं, कि नहीं 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 नहीं, फिजियो उसने को? आके मुझे बताया, मैं एयरपोर्ट क्यों जाऊंगा यार, अच्छा नहीं मैं नहीं गया था एयरपोर्ट, मैंने तो उससे पूछा था, जी सर, उसने कहा था मैंने दो इसको इंजेक्शन दिए हैं और इट इज़ अ फैक्ट कि इसको कोई प्रॉब्लम है, समझे आप, तो अनफिट प्लेयर को कभी नहीं खिलाना चाहिए। जी, मगर एक गलती की हमारे मैनेजर साहब ने कि भाई मियादाद बैठा हुआ था, हमें आमिर सोहेल को बना दिया कप्तान, क्या हाँ करते हो यार, बताएं सर। एक एक्स कैप्टन बैठा हुआ वहां पे जी, एंड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्रिकेट ब्रेन इन पाकिस्तान, उसको आपने नहीं बनाया, आमिर भाई कह रहे हैं सर राजी भी नहीं थे नहीं कि नहीं मैं इन पांच सब। मिनट मिले उसको, हाँ ये क्या बात है, ये तो बेवकूफी हुई ना, सही, आप उसको बनाना था और उसको बना देते आप जीत जाते, अच्छा और आपके ओपनर जो थे उनने तो आपको मैच जिता दिया था, सही दाम आपको सर। तो चाहिए सिर्फ 3 रन पर ओवर, तीन रन पर ओवर, जी, और आपने फिर भी मियादाद को पांचवा भेजा, क्यों सही वो कभी गया पांचवा, नहीं ये तो हो और जाती है सर ना, उनको बाउंड्री तो लाइन पे आप भी, उसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, जिसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे। बाउंड्री लाइन पे भी खड़ा कर दिया था। आपने कुछ एक्शन लिया था सर इस मैच में अरे आप? भाई देखें उसके अंदर गवर्नर जो था वहां का बंगाल का, ही वाज अ मुसलमान, अच्छा जहां रियाज खोकर हमारा हाई कमिश्नर था जी, वो मेरा भाई देवे बहुत अच्छा दोस्त भी था, वो बैठा हुआ था उसी बॉक्स में, इन लोगों ने खुराफात जो बके हैं वो तो आप और हम नहीं जानते, अच्छा ये जो मिनिस्टर्स इनक्लोजर था, बच्चे बीवियां खुद, और वो जो बोतलें फेंक रहे थे जी सर, वो बोतलों के अंदर गंद भरा हुआ था, ओह समझे आप, और आपने फिर भी उसको खड़ा किया, वाह भाई वाह। और खोकर ने मुड़ के कहा वो गवर्नर से, ये इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, जी, उठ के चला गया शेम विद शेम, ही ओहो वॉक्ड अवे द गवर्नर, ही रैन, सही सही सही, ये इज दिस इंडिया द सेक्युलर स्टेट, ये सेक्युलर है, ये तो बात है। अच्छा सर उसको पत्थर मारा था जी, जब वो खेल रहा था, किसको, प्रैक्टिस पे, सचिन सर, आमिर को ओहो पत्थर लगा था उसको, अब बताइए अगर कोई तगड़ा आदमी होता ना वहां पे, ही वुड हैव टेकन द टीम बैक, सही कह रहे हैं सर, सही, व्हाई डिडंट ही टेक द टीम बैक। देखिए ये क्वेश्चंस दो तीन थे जो मैंने इंतखाब आलम से पूछे, यार छोड़ो ना, मैंने कहा क्या छोड़ो, अच्छा छोड़ो क्या, आपने मियादाद को क्यों नहीं बनाया, उसने क्या किया था, देखिए सही है ना ये आपकी गलती है। जी, लेकिन सर 93 में जावेद भाई टीम से हट गए थे। 68 में भी आपने यही किया, जी, दो वर्ल्ड कप्स लाया था ना सही मैंने, सर। तो सर 96 में जावेद भाई को खिलाने का कोई प्रेशर था जो एकदम वो नहीं भारतीय नहीं टीम में नहीं आके थे? नहीं नहीं प्रेशर वैसे कुछ नहीं था, किसका प्रेशर था यार, कहा जाता है कोई प्रेशर था झूठ गवर्नमेंट है, की तरफ कोई प्रेशर से, प्रेशर नहीं था। इतने के, ये जो था नसीरुल्ला बाबर जो इंटीरियर मिनिस्टर था जनरल, जी, सर उसको मैं जानता था अच्छी तरह से, वो मेरे पास आया कि यार तुम जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब तुम जाते हो जी, मुझे भी ले चलना, सर मैंने कहा क्या कर रहे हो यार गवर्नर साहब, मिनिस्टर साहब, कहते क्यों, मैंने कहा यार तुम्हें कोई गोली मारेगा वो मुझे लग गई तो मैं तो नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, सही तो सही कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा यार, मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा यार, मेरी लाइफ है, आई वॉन्ट टू लिव, सही सही हाँ आई डोंट वॉन्ट टू डाई, फॉर वॉट पर्पज शुड आई डाई, बिकॉज ऑफ यू, कैसा है कि अच्छा वॉट विल मेक यू अग्री, मैंने कहा 7 लाख रुपए दो मियादाद फिर मैं चल, अच्छा सर उस फाइनल पे उसने भी, दिए, अच्छा जी, अच्छा सर वहां एक चोर पुलिस वाला था वसीम नाम था उसका, वो उसका हैं जी, उसको बुलाया कहते 7 लाख रुपए अभी लाओ, हैं ओहो वो पता नहीं कहाँ से ले आया, चोर था ना उसके पास सही वो डिक्की में पड़ा होगा, सही 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 वो ले आया, सही ये ले गया, ले जाने के बाद इसने कहा देखो यार ये पर, मैंने कहा देखे ये सब जाएंगे उसको, हैं
अगर ये 6,99,000 हुए ना, मैं फिर स्टेटमेंट दे दूंगा अखबार में, इंटीरियर मिनिस्टर जो है झूठा साला। नहीं नहीं मैं पूरे दूंगा यार। अच्छा फिर इसने दिए और फिर अनाउंस भी किया, इसने रिकॉर्ड सेट किया है। मैंने कहा ये जरूर कहना कि रिकॉर्ड सेट किया है, ये नहीं कि मैंने तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला, कि रिकॉर्ड सेट किया है कि ही इज द ओनली प्लेयर हु प्लेड इन सो मेनी वर्ल्ड कप्स। 5 वर्ल्ड कप खेला है, 4 या 5 बंद हो गई। सही सही। अच्छा सर, 96 वर्ल्ड कप का साबिक भारतीय खिलाड़ी जो कहते आप तो जीत गए थे। देखें इतना सिंपल बात, आपका मैच था आखिरी वाला न्यूजीलैंड के, जी जी सर है ना, जी जी। अगर मैंने क्रिकेट नहीं खेली होती और अगर मैं सचमुच ऑल आई हैड टू डू वाज टेल वसीम की ये मैच फेंक दे, अगर हम हार जाते ना वहां जाने की जरूरत नहीं, समझे, और हम जीत जाते। फाइनल में पाकिस्तान आता, पाकिस्तान इंडिया। हाँ सर, इंडिया श्रीलंका मैच के हवाले से भी उधर के जो फॉर्मर क्रिकेटर तो कहते हैं ये मैच फिक्स है, था कोई मैच फिक्स नहीं था, कामली साहब रो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये सब कहते हैं हारने के बाद। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप के अंदर कोई मैच फिक्स नहीं। अच्छा ना इसमें था ना 68 में था ना। अच्छा आई एम सॉरी। सही सही सर, जाते जाते भारतीय टीम के हवाले से क्या कहेंगे, उसको किसकी नजर लग गई, रोहित शर्मा नहीं चल रहे, विराट नहीं चल रहे। अरे यार देखें बात सुने, अब वो कह रहे हैं वी मस्ट रिवाइव द ओल्ड कोहली एंड वी मस्ट रिवाइव द ओल्ड शास्त्री। हाउ डू यू रिवाइव अ पर्सन हु इज एज्ड? जी सर खत्म हो गई विराट कोहली की एज खत्म। अब ये हर कोई तेंदुलकर नहीं है। जी जी सर, समझे ना, ये आप समझ रहे हैं आपने दूसरा तेंदुलकर पैदा कर दिया, ये गलत बात है। दिस इज नॉट क्रिकेटिंग नॉलेज। आप कह रहे हैं कि उसको रिवाइव करेंगे, कैसे रिवाइव करेंगे, इंजेक्शन नहीं। सही सही, क्या करेंगे? तो सर क्रिकेट क्लोज खत्म एंड। ये भाई देखे ना, अपना अपना टाइम होता है। जी जी, अब उनसे नहीं हो रहा। सही, अब वो लंदन में जाके सेटल हो गया है। हाँ लंदन में हो गया, तो फिर उनपर काफी प्रेशर भी हो रहा है कि उनको सारा ध्यान। अरे नहीं यार, वो जो भी है वो अब वो आदमी नहीं है। जी जी, बड़ा फिट आदमी है वैसे, जी जी, मगर फिटनेस सब कुछ नहीं होती। जी जी, हर कोई लारा नहीं होता। जी जी, लेकिन सर पाकिस्तान के मेरा इंटरव्यू के अंदर मुझसे कहा था कि भाई आप मुझे बताएं कि हु वाज द बेस्ट बैट्समैन इन योर ओपिनियन। जी सर, ये समझे थे कि मैं कहूँगा तेंदुलकर। जी जी, मैं कहा लारा। लारा कहते कि क्यों है? मैंने कहा 2 दफा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उसने, है, और 2 दफा 300 रन बनाए। कौन है जिसने 300 रन 2 दफा बनाए? 400 किसने बनाए? फिर 500 किसने बनाए? हैं? कहता हाँ सर, नहीं आई एग्री। मैंने कहा ही वाज अ क्लास बाय हिमसेल्फ, देयर वाज नथिंग लाइक लारा। तो सर पॉइंटिंग कह रहा है कि बाबर को मशवरा दे रहा है, अगर तुम्हें फॉर्म में आना है तो विराट कोहली को फॉलो कर लो। हाँ कर ले विराट कोहली को। अब आप देखें फिर कहने लगे कि बॉलर कौन है, मैं कहा वसीम अकरम। मैंने कहा वो बात करवाता है गेंद से। सही। तो अच्छा इंडिया में कौन है बेस्ट बैट्समैन? ये फिर समझे थे कि मैं लूंगा। मैंने कहा गवास्कर से अच्छा प्लेयर नहीं प्रोड्यूस किया आप। अच्छा सर, अरे वो बड़ा क्लास, विराट से भी बहुत अच्छे थे। अरे कुछ नहीं है ये लोग उसके सामने। वो अभी स्टूडेंट था, वो गया वेस्ट इंडीज, उसने 600 रन बना दिए टेस्ट मैच। लेकिन सर कह रहे हैं उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत स्लो इनिंग खेल दी थी। गवास्कर सर ने बहुत वर्ल्ड कप में स्लो इनिंग खेल दी थी। तो वो वर्ल्ड कप का प्लेयर ही नहीं था यार, ये तो टेस्ट प्लेयर, टेस्ट प्लेयर था। सही सही सही। अरे सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके सर। नहीं नहीं, माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड पे फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।